चलिए आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि हम इसे गेहूं के आटे से बना के तैयार किए हैं। तो देर किस बात की, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक परात लिए हैं, इसमें डाले हैं हम 2 कटोरी गेहूँ का आटा। जिस कटोरी से हम आटा लिए थे उसी कटोरी से माप के हम 1 कटोरी सूजी लिए हैं, इसको भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे घी, 4 चम्मच के बराबर हम इसमें घी डाल रहे हैं। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छा से मुट्ठी नहीं बंध रहा है, इसका मतलब घी थोड़ा सा कम है। 1 चम्मच घी इसमें हम और ऐड कर दे रहे हैं और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसे मुट्ठी बांध कर देखेंगे, बहुत अच्छे से मुट्ठी बंध जा रहा है। यहाँ एक बाउल लिए हैं, इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से हम आटा और सूजी लिए थे उसी कटोरी, और उसी कटोरी से हम इसमें 1/2 कटोरी दूध डाल देंगे। थोड़ा सा इसे मिक्स कर देंगे। चीनी को हमको घुलाना नहीं है, क्योंकि हमारे रेसिपी में चीनी खड़ी खड़ी दिखेगी तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। अब जो मोइन करके हम आटा रखे थे उसमें दूध और चीनी का मिश्रण थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। दूध और चीनी के साथ हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। का डो नहीं बनाना है, इसे ऐसे ही फरफरा रहने देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और 4 चम्मच के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट। अब सबको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा डो लेंगे और एक बड़ा साइज का हम लड्डू बना लेंगे, और इस लड्डू को एक पटिया पर रख लेंगे या आप चकला पर भी रख सकते हैं, और हाथ से थोड़ा सा हम दबा के हल्का हल्का हम बेलन चलाएंगे इस पर, ऐसे ही थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। एक बोतल का कैप लिए हैं हम, आप चाहे तो यहाँ कुकिंग कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इसको हम ऐसे काट लेंगे, देखिए कितना आसानी से निकल जाता है। ऐसे सभी को हम बेल करके कट करके तैयार कर लिए हैं। गैस पे एक कढ़ाई रख दी है, इसमें हम तेल डाल दिए हैं, तेल हमारा गरम हो चुका है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें। अब इसमें हम डाल देंगे तैयार किया हुआ बिस्किट। इसे हम पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका। इसे एक झारे में हम निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा वाइल सब निकल जाए। इसे एक प्लेट में रखेंगे। तो ये लीजिए हमारा मैदार से आटा बिस्कुट बनके तैयार हो चुका। लग रहा है ना कितना यम्मी है, कितना क्रंची बना है, आप इसका आवाज सुन सकते हैं। एकदम बिस्किट के जैसे। आप एक बार यदि ऐसे बिस्किट घर में बनाइएगा तो सभी को बहुत पसंद आएगा। यदि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।